क्या टेलीकॉम सेक्टर आपकी जेब पर फिर डालने वाला है बोझ? क्या एक बार फिर बढ़ेंगे टैरिफ रेट? क्या एयरटेल होगा इस रेट हाइक का की प्लेयर? ये सब सवाल उठ रहे हैं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट आने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के शेयर को लेकर अपना बुलिश रिव्यू दिया है। जेफरीज की माने तो टेलीकॉम कंपनी आने वाले साल में एक बार फिर से टैरिफ हाइक कर सकती है और ये बढ़ोतरी एक बार या दो बार नहीं बल्कि कई बार हो सकती है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा भी एयरटेल को ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि भारतीय एयरटेल के शेयर में आने वाले समय में 19-20% की तेजी आ सकती है। जेफरीज ने एयरटेल के शेयर के लिए टारगेट प्राइस 1760 रुपए से बढ़ाकर 1970 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। साथ ही इस स्टॉक की बाय रेटिंग को एक बार फिर से जेफरीज ने दोहराया है यानी रिपीट किया है। जेफरीज ने मजबूत प्रदर्शन क्षमता का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए भारतीय एयरटेल के इंडिया ऑपरेशंस के लिए अपने रेवेन्यू और एप्टा अनुमानों को 5-9% तक बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2024-27 के बीच के ड्यूरेशन में 19% की मजबूत एप्टा सीएजीआर का भी अनुमान जताया है। भारतीय एयरटेल के लिए जेफरीज ने वित्त वर्ष 2026 के बीच में यानी मिडल ऑफ 2026 10% टैरिफ हाइक का मॉडल भी तैयार किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 10% बढ़त का भी अनुमान लगाया है। अब ब्रोकरेज हाउस की माने तो सिर्फ एयरटेल ही नहीं, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया भी आने वाले सालों में कई बार टैरिफ बढ़ोतरी कर सकते हैं। ग्रोथ पर जियो के बढ़ते फोकस के कारण बढ़ोतरी की जरूरत हो सकती है, ये कहना है जेफरीज का। जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए उसने कहा कि बाजार हिस्सेदारी में लगातार आ रही कमी के कारण ये बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे अगर बात एयरटेल की जाए तो 13 सितंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर BSE पर मामूली बढ़त के साथ 1650 रुपए पर खुला और उसके तुरंत बाद ही इसने 52 सप्ताह का नया हाई लेवल 1655 रुपए छू लिया। हालांकि बाद में ये मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में आ गया। कंपनी का मार्केट कैप इस समय अगर देखा जाए तो 9,30,000 करोड़ रुपए पर है। आपको बता दें कि इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी भारतीय एयरटेल के शेयर के लिए टारगेट प्राइस को 900 रुपए से बढ़ाकर 1,700 रुपए प्रति शेयर किया था और साथ ही इसकी बाय रेटिंग को बरकरार रखा था। और अब जेफरीज की भी रिपोर्ट आ गई है। हालांकि इस रिपोर्ट ने आम आदमी पर थोड़ा भार पड़ता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अब एयरटेल के स्टॉक में कैसा मोमेंट बनता है ये देखने वाली बात होगी और इस पर सभी का फोकस भी होगा। आपको क्या लगता है ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है ये भी हमें कमेंट करके बताएं और जाते जाते एक जरूरी बात भी सुनते जाइए कि ये रिपोर्ट हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको बाजार में कहीं दाम लगाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। साथ ही देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।